रंगा और बिल्ला, दो ऐसे कुख्यात और खतरनाक अपराधी जिनके जुर्म ने सन 1978 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पुलिस की जी तोड़ कोशिशों के बाद ये पकड़ में आए और जब इनको फांसी पर लटकाया गया तो दो घंटे तक फांसी के फंदे पर झूलने के बाद भी रंगा की सांसें चल रही थीं। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं रंगा बिल्ला की कहानी और इनसे जुड़े अपराध के बारे में। सन 1975 में कुलजीत सिंह उर्फ रंगा मुंबई में टैक्सी ड्राइवर था और साथ ही चोरी चकारी और लूटपाट को भी अंजाम देता था। यहीं से उसकी दोस्ती जसवीर सिंह उर्फ बिल्ला से हो गई, जो पहले से ही दो मर्डर कर चुका था। शुरू शुरू में ये दोनों कार चुरा कर बेचा करते थे। उसके बाद बच्चों की किडनैपिंग करने लगे, जिसमें एक बार बिल्ला को पकड़कर मुंबई पुलिस ने ठाणे जेल भी भेज दिया था, जहां से वो कुछ ही दिनों में भाग निकला। उसके बाद वो दोनों मुंबई से दिल्ली आकर उसी तरह के कारनामों को अंजाम देने लगे। जुलाई 1978 को रंगा बिल्ला ने दिल्ली के अशोका होटल से अशोक शर्मा नाम के व्यक्ति की पीले रंग की फियट कार चुरा ली, और ये वही कार थी जिससे मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले रंगा बिल्ला ने उस वक्त के सबसे बड़े अपराध को अंजाम दिया था, जिसकी शुरुआत हुई थी 26 अगस्त सन 1978 की एक शाम को दिल्ली के धौलाकुआं की अफसर कॉलोनी के पास से, जहां नेवी के ऑफिसर मदन मोहन चोपड़ा की फैमिली रहती थी, जिसमें मिस्टर एंड मिसेस चोपड़ा के अलावा उनकी 16 साल की लड़की गीता और 14 साल का लड़का संजय चोपड़ा साथ रहते थे। गीता उस वक्त जीसस एंड मैरी कॉलेज से कॉमर्स की पढ़ाई कर रही थी, जबकि संजय मॉडर्न स्कूल में 10th क्लास में पढ़ता था और साथ ही बॉक्सिंग प्रैक्टिस भी करता था। 26 अगस्त 1978 को गीता को ऑल इंडिया रेडियो से एक ऑफर आया, जिसमें उन्हें वेस्टर्न सॉन्ग्स के एक इन द ग्रूव प्रोग्राम में हिस्सा लेना था और इस प्रोग्राम को उसी रात 8 बजे ऑन एयर भी होना था। अब क्योंकि घर पर उस वक्त इनके पापा मदन मोहन चोपड़ा नहीं थे, तो दोनों बहन भाई गीता और संजय आकाशवाणी केंद्र जाने के लिए घर से निकले, जहां से थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद किसी ऑटो या बस के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त एक पीली फियट कार इनके पास आकर रुकी, जिसमें दो आदमी रंगा और बिल्ला बैठे थे। रंगा ने एक बच्चों से कहा, कहां जाना है बच्चों? गीता कहती है, हमें आकाशवाणी भवन जाना है। तो रंगा कहता है, ठीक है, हम छोड़ देंगे, गाड़ी में बैठ जाओ। गीता और संजय दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी चल पड़ती है, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद आकाशवाणी न जाकर वो गाड़ी दूसरे रूट की तरफ मुड़ जाती है। अब क्योंकि गीता चोपड़ा आकाशवाणी का रास्ता जानती थी, इसीलिए उसे समझते देर न लगी कि हम गलत गाड़ी में बैठे हैं, जबकि उसके भाई संजय को रास्ते की समझ नहीं थी। गीता ने ड्राइविंग सीट पर बैठे बिल्ला से कहा, भैया ये रास्ता आकाशवाणी की तरफ नहीं जाता, आप कहां जा रहे हैं? लेकिन उस आदमी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। गीता ने गाड़ी रुकवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। तो उसने ड्राइवर के बाल नोचने शुरू कर दिए, जिसका कोई फायदा ना हुआ। साथ बैठे भाई संजय ने गाड़ी के विंडो से बाहर मुंह निकालकर बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसे एक स्कूटर सवार बिजनेसमैन घनश्याम ने सुना तो अपना स्कूटर गाड़ी के पीछे लगा दिया। लेकिन वो ज्यादा दूर तक गाड़ी का पीछा नहीं कर सके, क्योंकि गाड़ी बहुत स्पीड से आगे निकल गई थी। घनश्याम ने इस किडनैपिंग की सूचना पुलिस को दी और साथ ही गाड़ी का नंबर भी नोट करवा दिया। रंगा बिल्ला ने दोनों बच्चों को किडनैप करके बुद्धा गार्डन के पास एक सुनसान इलाके में ले जाकर गाड़ी रोक दी। लेकिन वहां पहुंचकर रंगा बिल्ला को जब बच्चों से पता चला कि उनके पापा इंडियन नेवी में ऑफिसर हैं, तो दोनों के चेहरों की रंगत उड़ गई। वो समझ गए थे कि इनसे कोई पैसा मिलने वाला नहीं है, साथ ही पकड़े जाने का डर अलग था। जब ही बिल्ला ने संजय को गाड़ी से निकाला और थोड़ी ही दूर जंगल में ले जाकर एक बड़े से चाकू से उस पर कई वार करके कत्ल कर दिया, फिर वापस गाड़ी के पास आकर इन दोनों ने गीता का रेप करके इसे भी जान से मार दिया। इधर घर पर मां रोमा चोपड़ा ने 8 बजे रेडियो खोला तो गीता के अलावा सबकी आवाज आ रही थी। उन्हें लगा शायद गीता का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। मदन मोहन चोपड़ा जब बच्चों को लेने रेडियो स्टेशन पहुंचे तो उन्हें पता चला कि बच्चे यहां आए ही नहीं। अब चूंकि 3:30 घंटे हो चुके थे तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। उधर पुलिस को भी माजरा समझते देर न लगी, क्योंकि उनके पास पहले ही दो बच्चों के किडनैपिंग की कॉल आ चुकी थी। तकरीबन 140 पुलिस वालों ने 30 अलग अलग गाड़ियों से खोजबीन शुरू कर दी और साथ ही दिल्ली के आसपास के राज्यों की पुलिस को भी सूचना भेजी गई। अगले दिन 27 अगस्त को HRK 8930 नंबर की गाड़ी हरियाणा पुलिस को मिल गई, जिसके बारे में घनश्याम ने पुलिस को बताया था ये वही गाड़ी थी।
जिससे बच्चों को किडनैप किया गया था। पुलिस की छानबीन में पता चला कि ये गाड़ी अशोक शर्मा नाम के व्यक्ति की है, जिसने गाड़ी चोरी होने की कंप्लेंट थाने में लिखा रखी थी। पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। तभी ठीक दो दिन बाद यानी 29 अगस्त को पुलिस को सूचना मिलती है कि दिल्ली के रिच गार्डन के पास दो बच्चों की लाशें पड़ी हैं। पुलिस तफ्तीश में यह साफ हो जाता है कि ये दोनों ही लाशें गीता और संजय की हैं। और जैसे ही ये बात बाहर आती है, दिल्ली में बुरी तरह बवाल मच जाता है, क्योंकि अब मुजरिमों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गीता के कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ साथ आम लोग भी सड़कों पर उतर चुके थे। उस वक्त के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पब्लिक को शांत कराने जब उनके बीच पहुंचे, तो उनके सर पर किसी ने पत्थर फेंक कर मारा, जिससे उनका सफेद कुर्ता खून से लाल हो गया। और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मुरारी जी देसाई के खिलाफ सांसद में विपक्ष ने नारे लगाए और इस्तीफे की मांग की, जिससे पुलिस पर मुजरिमों को पकड़ने का दबाव और बढ़ गया। इधर पुलिस ने चश्मदीद घनश्याम के बयान के आधार पर कई फाइलें खोल दी, जिसमें दो नाम निकलकर सामने आए, और ये नाम थे रंगा और बिल्ला के, जिनके फोटो पुलिस ने हर न्यूज पेपर्स में छपवा दिए। उधर रंगा बिल्ला भी एक शहर से दूसरे शहर भागते और छिपते फिर रहे थे, और इसी भागा दौड़ में वो 8 सितंबर 1978 को गलती से कालका मेल के उस डिब्बे में चढ़ गए जो फौजियों के लिए रिजर्व था। उन फौजियों में से एक को इन पर शक हो जाता है, क्योंकि इनकी शक्ल उन फोटोज से मिल रही थी जो उसने पेपर में देखी थी। बस फिर क्या था, फौजियों ने इन्हें पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इनकी गिरफ्तारी के बाद केस बहुत तेजी से चला। पुलिस ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की, डीएनए जांच हुई। सारे सबूत और डीएनए जांच रंगा बिल्ला से मैच कर गए। इस जुर्म के लिए सेशन कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। इन दोनों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और फांसी की सजा बरकरार रखी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति ने भी इनकी याचिका खारिज कर दी, यानी अब इन्हें हर हाल में फांसी होनी थी। और इनकी फांसी का समय 31 जनवरी 1982 तय किया गया, जिसके लिए मेरठ से कालू और फरीदकोट से फकीरा जल्लाद को बुलाया गया। फांसी का फंदा बनाने के लिए बिहार के बक्सर से रस्सी मंगाई गई। और फिर 31 जनवरी को वो दिन भी आ गया, जब सुबह 5 बजे रंगा बिल्ला को नहाकर और नाश्ता करवाकर फांसी के तख्ते पर लाया गया। उस वक्त जेल प्रशासन ने दोनों जल्लादों को शराब मंगाकर पिलाई थी। जेल प्रशासन की माने तो पूरे होश में रहने वाला व्यक्ति किसी की जान नहीं ले सकता। खैर, रंगा बिल्ला के हाथ पीछे बांधे गए काले थैले से मुंह ढंका गया, गले में रस्सी ढालकर जल्लाद ने लिवर खींच दिया और दोनों को फांसी हो गई, जिसके 2 घंटे बाद जब डॉक्टर ने चेक किया तो बिल्ला तो मर चुका था, लेकिन रंगा की सांसें चल रही थी, जिसे देखकर प्रशासन हैरत में पड़ गया। जिसके बाद एक जल्लाद ने गड्ढे में उतरकर रंगा के पैरों को नीचे की तरफ खींचा और तब तक खींचे रखा जब तक वो मर नहीं गया।